तो हमने तीन टिकटें ली हैं, 1,20,000 तकरीबन। ये दूसरा पॉइंट है। अब हम यहाँ नहीं उतरेंगे, बाज़ यहाँ से उतर जाते हैं। ये जैसे देखें ये लड़के उतर गए हैं, तो एक साइड की टिकट थी इनकी सी। ये पूरा पार्क है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये सारा पार्क है। और इस तरफ जो आपको ये पीली पीली लाइटें नज़र आ रही हैं आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम तोहफा यार की मदद। अभी हम बाहर निकले थे तो प्रोग्राम बना के जाते हैं थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर चेयर लिफ्ट भी है तो वहाँ पर भी जाते हैं, आपको दिखाते हैं। और हुसैन भी काफ़ी दिन हो गए थे, कह रहा था कि मुझे जो है ना ले जाए झूलों पे, तो मैंने कहा कि वो उसको भी झूले झूले दिलाते हैं। तो अभी निकले हैं बाहर, जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि आज ईद मुबारक भी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ईद मुबारक की। तो फिर यही है कि आगे से मुहर्रम आ रहा है, फिर मुनासिब भी नहीं लगता यूँ बाहर जाना और इस तरह। मैंने कहा चलो ये जो 3-4 दिन हैं ये घूम फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी। तो अभी ये करीब ही बनता है, बुस्तान अलवी है। हमारे घर से तो थोड़ा दूर बन जाता, जो पहले वाला घर था उसके करीब बनता था। तो लेकिन ये है कि हम यहाँ से बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी बंद तो नहीं होगी क्योंकि मैंने टाइम देखा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जो है आप नेट के ज़रिए देख सकते हैं, हालांकि टिकट भी ख़रीद सकते हैं। तो अभी फिर वहाँ निकले हैं, देखें अल्लाह खैर करेगा, वहाँ पहुँचेंगे तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो फिर आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ जाकर। ये आपको सामने नज़र आ रही है लिफ्ट। अभी हमने टिकट ले ली है तो अभी हम बैठने लगे हैं, अभी आपको ना दिखाएंगे, जैसे जैसे ऊपर से जाएंगे ना साथ साथ आपको दिखाएंगे। हम अभी बैठ गए हैं चेयर लिफ्ट पे, ये देख रहे होंगे आप साथ से जा रही हैं। ये रोड है तो ये पार्क बहुत बड़ा है, नीचे जो है ना लोग बैठे हुए भी हैं और खाना भी खा रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको इस तरफ भी कुछ नीचे नज़र आए तो ये नीचे जगह बनी हुई है, इसका नाम है जी बुस्तान अलवी। ये देखें नीचे से ये रोड है अंदर, यानी बुस्तान के अंदर। ये देखें ये लोग जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेन एंट्रेंस है जो ये वाली है ना, ये इस तरफ अंदर की तरफ जा रही है, ये यहाँ से ये जी मेन एंट्रेंस है बुस्तान अलवी की, पार्क अलवी की। ये सामने फीलिया है। अच्छा जो टिकट है, मैंने कहा बता दूं आपको टिकट के बारे में। टिकट यहाँ की वैसे 25 तुमान है, 25,000 तुमान ईरानी एक साइड के। अगर आप जाते और आते हैं तो फिर आपको जो टिकट है वो पड़ेगी 40,000 तुमान ईरानी की। तो हमने तीन टिकटें ली हैं, 1,20,000 तकरीबन, ये जाके 1,000 रुपये के करीब करीब जाके बनता है। तो अभी हम वहाँ जाने लगे हैं। एक और चीज़ भी है, वो स्लाइडिंग टाइप की बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी वहाँ जाने का पता नहीं बनता है नहीं बनता है, इरादा देखते हैं उसका। तो लेकिन ये है कि ये अभी हम चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए हैं। अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये पीछे एंट्रेंस है पूरी, ये नीचे करके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस तरफ जो है ना मेरे पीछे ये झूले हैं यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं, वैसे बच्चों के झूले भी हैं अगर आपको नज़र आए तो, ये देखिए ये अंदर भी बने हुए हैं बच्चों के झूले, जो बैठ के वो खेलने शेलने के लिए। वैसे ये पूरा जो जगह बनी हुई है इसके लिए अच्छी चीज़ है, आप आएँ तो हतमन यहाँ आए। यहाँ पर वैसे बाकायदा पूरी जगह बनी हुई है बैठने के लिए, आउटिंग के लिए सब कुछ। मैं तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब पार्क देख रहे हैं आप कितना बड़ा है, ये जो है बाकायदा खेलने की जगह बनी हुई है, ये पार्क यहाँ होता है। ये देखें ये मस्जिद है, यानी इनके पार्कों की ये अच्छी चीज़ है कि उसमें आपको मस्जिद, खाने पीने के लिए चीज़ें, गेम के लिए हर चीज़ वहाँ पर आपको जो है ना मिल जाती है। तो अभी हम जो है वहाँ जाते हैं तो आपको वो भी दिखाता हूँ कि जहाँ पर पॉइंट है जहाँ पर यानी ये फिर वापस आएगी, तो वहाँ पर भी बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है, होटल बना हुआ है बहुत प्यारा सा। तो अभी वहाँ जाते हैं तो फिर आपको वो भी दिखाता हूँ। होटल है जो मैंने आपको कहा था, ये ऊपर बना हुआ है और ये सामने आपको लाइट नज़र आ रही होगी, ये पॉइंट है, यहाँ से हमने घूमना है। और ये एक और चीज़ है, ये स्लाइडिंग टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, यूँ ऊपर जाएंगे, पता नहीं क्या है इसका, इलेक्ट्रिक है अंदर से। तो अभी यहाँ से जाते हैं तो मैं आपको इसका ना वो दिखा दिया, देखें अगर आपको नज़र आया हो बंदा गुजरा है। तो इसका भी ट्रैक अच्छा खासा बना हुआ है,
वैसे यहाँ पर जो आते हैं ना अरब और बाकी यूरोपियंस और वो बहुत घूमते हैं, हमारे पाकिस्तानी आते हैं कम ही घूमते हैं वो, अब पता नहीं क्या वजह है। ये इसकी जगह है जहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ से एक तरफा वाले लोग नीचे से वापस आ रहे हैं, हमने कहा कि नहीं हम वापस वहीं से उतरे क्योंकि गाड़ी वहीं पर हमने खड़ी की है, तो इस वजह से। ये पीछे करके यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ होटल है, यहाँ खाने वहाँ पर भी था जहाँ से हम बैठे हैं। ये दूसरा पॉइंट है, अब हम यहाँ नहीं उतरेंगे, बस यहाँ से उतर जाते हैं। ये जैसे देखें ये लड़के उतर गए हैं, तो एक साइड की टिकट थी इनकी इसीलिए। देखिए हमने जी वापस जाना है यहीं से, सलाम अलैकुम। ये इसका पॉइंट है, इधर से जाना है जी, इधर से घूम गया भाई, घूम गया। यहाँ से भी लोग आके ले सकते हैं टिकट, और हाँ आगे से भी, यानी वो उस पॉइंट से भी। फिर हम जाना है, हाँ भैया हम जाना है। अच्छा ये व्यू देखें, ये पूरा पार्क है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये सारा पार्क है। और इस तरफ जो आपको ये पीली पीली लाइटें नज़र आ रही हैं आगे जाके, ये है जी शेरा के महदिये। यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह जो आते हैं, दीनी स्टूडेंट्स वगैरह वो रहते हैं इस जगह पर। यहाँ पर घर बने हुए हैं उनकी तरफ से, जामत मुस्तफ़ा की तरफ से। तो ये बिल्कुल इसके पीछे है, मुझे बहुत डर लग गया। क्यों डर लग रहा है आपको? अच्छा ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। ये देखें ये जो है ना लोग नीचे बैठे हुए हैं, फैमिलीज खाना खा रही हैं इस तरह। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर यहाँ पॉइंट्स बने होते हैं। यहाँ असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुश्किल होती है कि कोई फैमिली आ जाए ना कहीं पर ऐसी जगह पर बैठ जाए, तो 10 बंदे तो घूर के देखते हैं कि ये कौन बैठे हैं, ये क्या है, तो ये ज़्यादा मुश्किल होती है। अब ये देखिए सामने अगर आपको ये नज़र आ रही है जगह, ये स्केटिंग की जगह है, यहाँ पर बच्चे जो है ना वो कर रहे हैं स्केटिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए ये अंधेरे में बैठे हुए हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि लोग जो है ना हाँ लोग वो नहीं करते। हमारे यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फिर प्रमोट करते हैं, फिर उस वजह से मसाइल होते हैं। अब ये देखें वो अगर आप लड़का नज़र आ रहा है तो स्केटिंग कर रहा है, मैं ज़रा करीब जाता हूँ ना तो आपको दिखाता हूँ। कितना मज़ा आसान, ये देख ये पूरी जगह बनी हुई है। ये देखो हम ये टैंकर टिकन गया, ये देखें ये सारा ये ग्राउंड है अंदर, यहाँ से भी एंट्रेंस है और यहाँ ये सारे झूले लगे हुए हैं अंदर, आपको लोग नज़र आ रहे होंगे। बड़ा प्यारा व्यू बनाया हुआ उन्होंने, मिडल में बनाया हुआ है यहाँ पर पार्क के। ये देखें यहाँ नहीं होता कि हमें कोई प्लेस मिले अच्छी, हम वहाँ बैठे हैं कोई होटल हो, यहाँ पर लोग आते हैं फैमिलीज आते हैं। ये देखें ये नीचे बैठे हुए हैं अपना इन्जॉय कर रहे हैं, खाना बना के लाए हुए हैं। ये देखें जहाँ जहाँ भी देखेंगे लोग बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं, चटाइयाँ बिछाई हुई हैं। ये देखें ये अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा होगा ये पीछे अभी पैदा हुए हैं यहाँ पर, पैदल ये जगह बनी हुई है कि जिस जगह पे आपने ना उतरना है। तो अभी हम जाने लगे हैं बाहर। ये हुसैन मुस्तफ़ा को हम ले आए हैं, हुसैन मुस्तफ़ा वो बैठा हुआ है गाड़ी में, तो इसने कहा मैंने झूले लेने हैं, हमने चेयर लिफ्ट ली साथ, वहाँ भी बैठा है, फिर कहता है नहीं मुझे वैसे भी झूले लेने हैं, तो मैंने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं है। अब यहाँ से यहाँ से आ रहा है हुसैन मुस्तफ़ा,
हुसैन तकरीबन मैं घर पहुंच गया हूं। अभी यहाँ दुकान है, कुछ सामान लेना है और सामान लेने के बाद फिर इंशाल्लाह घर। तो आज के ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हतम कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।